विधायक मंदा मात्रे के बर्थडे पर शानपाड़ा में आमदार चषक का आयोजन, युवा बीजेपी नेता पांडुरंग आमले की पहल, चलेंगे कई कार्यक्रम। अपने लोकप्रिय विधायक मंदा मात्रे के जन्मदिन को यादगार बनाने युवा नेता पांडुरंग आमले ने सानपाड़ा सेक्टर 2 में आमदार चषक का आयोजन किया है। आज इस टूर्नामेंट एवं कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। यहां बीजेपी नेता सतीश निकम और विजय घाटे खास तौर पर उपस्थित थे। दोनों नेताओं ने कहा कि पांडुरंग आमले ने जिस तरह से विधायक मंदा मात्रे को शुभकामना देने खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, वह सराहनीय है। इससे युवाओं को एकजुट करने और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज पांडुरंग आमले जी ने यहाँ पर अंडर आर्म क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया है। मुझे लगता है कि इसके पीछे उनकी दूरदृष्टि है, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो मतदार बन रहा है और ऐसे युवा वर्ग को एकत्रित करना चाहिए, प्रभावित करना चाहिए, उनके जो क्रीड़ा गुण है उसको थोड़ा सा स्कोप देना चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने इस स्पर्धा का आयोजन किया है। आने वाले 2-4 दिन में और भी कुछ कार्यक्रम उन्होंने रखे हुए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए पाककला स्पर्धा है, हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम है, फिर बच्चों के लिए चित्रकला स्पर्धा है। तो ऐसे हर रोज़ एक कार्यक्रम इस प्रकार का आयोजन वो कर रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं उनको आने वाले समय के लिए शुभेच्छा देता हूँ और उनकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो ऐसी सदिच्छा व्यक्त करता हूँ। आदरणीय मंदाताई मात्रे, लोकप्रिय नेत्री हमारी नेत्री है, उनका 63वां जन्मदिन 20 तारीख को है। उस उपलक्ष्य में यहाँ पे मैदान में खेलने के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया है। सारे लोग कोरोना कार्यकाल में घर पे थे, इकट्ठा आना कम हुआ था, लोगों से आपस में मेलजोल कम हो गया था। यहाँ से निकलने के लिए लोगों ने कहीं ना कहीं रास्ता मिलना चाहिए, तो ये एक उपक्रम रखा हुआ है, जिस वजह से आज आप देखेंगे सारे लोग बड़े खुश लग रहे हैं, क्योंकि ये करीब करीब साल भर के बाद लोग इस तरीके से इकट्ठा आ रहे हैं। तो यही आशय, यही आशीर्वाद मंदाताई के जन्मदिन पे जनता की ओर से मंदाताई को मिलेगा। हमारे पांडुरंग आमले जी इसके संयोजक है, पीछे अगले 7 दिन तक ये कार्यक्रम सब चलते रहेगा। 19 तारीख को आदरणीय मंदाताई मात्रे जी भी इस प्रभाग में पधार रही है और उनके हाथ से केक वो काटेगी यहाँ प्रभाग में और लोगों के साथ अपना वक्त बिताएगी, जिन्होंने आज उनको MLA बनाया हुआ है उनके आशीर्वाद लेगी। वहीं युवा नेता पांडुरंग आमले ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अधिकांश युवाओं को बाहर खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, अब जब हालात अच्छे हो रहे हैं तब ऐसे क्रीड़ा महोत्सव के जरिए हम उन्हें साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। पांडुरंग आमले ने कहा कि एक सक्रिय विधायक के लिए यह सच्ची शुभकामना भी है, जिसके लिए 20 जनवरी तक विविध समाजोपयोगी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आमच्या सर्वांच्या लाडक्या मंदाताई म्हात्रे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही 14 तारखेपासून 20 तारखेपर्यंत वेगवेगळे उपक्रम राबवलेले आहेत। वेगवेगळ्या स्पर्धांचे आम्ही आयोजन केलेले आहेत, शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे, त्याचप्रमाणे महिलांसाठी आम्ही हळदी कुंकवाचे आयोजन केलेलं आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून आज आम्ही 16 व 17 तारखेला युवकांसाठी क्रिकेट स्पर्धांचे आयोजन केलेले आहे आणि आमच्या ह्या सर्व युवकांना प्रोत्साहन देत आहेत, त्याबद्दलचा सर्वांचे धन्यवाद। मंदाताई म्हात्रे यांनी नेहमीच युवकांना प्रोत्साहन दिलेले आहे आणि त्यांनीच आम्हाला सुचवले की तुम्ही सर्व प्रकारच्या स्तरामध्ये काही ना काहीतरी घेत राहा आणि त्याचमुळे पहिलाच कार्यक्रम आमचा आज आहे तो म्हणजे युवकांसाठी क्रिकेट स्पर्धा। आमच्या ह्या सर्व सानपाड्यावासियांतर्फे तसेच या युवकांतर्फे आम्ही एकच अपेक्षा पाहतो, आमच्या कार्यसम्राट आमदार मंदाताई म्हात्रे यांना दीर्घायुष्य लाभो आणि त्या अशाच प्रगती करत राहो आणि त्यांचा हात आयुष्यभर आमच्या डोक्यावर असत राहो। आमदार चषक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और स्थानीय नागरिकों ने भी युवा नेता पांडुरंग आमले के इन प्रयासों की सराहना की और खेल एवं दूसरे कार्यक्रमों के आयोजन को जरूरी बताया। मी पहिल्यांदा नवीन वर्षाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देते आणि हे नवीन वर्ष सगळ्यांना सुख समृद्धीचे जावो हे मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करते। करोनाच्या ह्या काळामध्ये सगळ्यांनी 6 महिने झाले घरात बसून काढलेत आणि आमच्या लाडक्या कार्यसम्राट आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आमचे लाडके समाजसेवक पांडुरंग आमले साहेब यांनी विविध स्तरातून
ज्या स्पर्धा आयोजित केल्यात मुलांसाठी क्रिकेट, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कॅरम स्पर्धा, महिलांसाठी पाक स्पर्धा, छोट्या मुलांसाठी डान्स वेशभूषा स्पर्धा, महिलांसाठी हळदी कुंकू, आणि आमच्या आमदार लाडक्या आमदार मंदाताई म्हात्रे ह्यासुद्धा ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. ह्या विविध स्तरातून आमले साहेबांनी जो उपक्रम राबवला त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद. आपले समाजसेवक आमले साहेबांनी आमच्यासाठी मॅच घडवल्या आहात. या लॉकडाऊनमध्ये आम्हाला घरी बसून खूप कंटाळ वगैरे आला होता, कुठे बाहेर जायला वगैरे भेटत नव्हतं, पण या निमित्ताने मंदाताई म्हात्रे यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने यांनी आम्हाला मॅचेस वगैरे भरवल्या आहेत, त्याचा आम्ही थँक्यू बोलू इच्छित आहोत त्यांना. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.